नमस्कार। आज आप सबसे बात करने वाला हूं मैं पानी के बारे में। पानी आज एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। समस्या इस बात का है कि जो आज हम पानी पी रहे हैं वो पानी हमें बीमारियों से लड़ने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि तमाम सारी बीमारियां आज हमारे उस पानी की वजह से हो रही हैं। पहले जो पानी लोग पिया करते थे, तमाम सारी उसे गंभीर बीमारियां जब होने लगी तो आरओ का सिस्टम आया और उन्होंने बताया कि एक इसका लगातार इस्तेमाल करने से लोगों को बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। लोगों ने क्या किया, आरओ का पानी इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन आरओ का पानी लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद आज एक नया रिसर्च आया और अब वो रिसर्च कह रहा है कि लगातार आरओ का पानी भी इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो आखिर इसका हल क्या है, मैं उसको भी जानूंगा। उसके पहले मैं बात करता हूं कि आखिर हम जो पानी आज पी रहे हैं उस पानी का पीएच लेवल क्या है, वो पानी की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले ये है नल का पानी जो हमारे यहाँ नल से निकाला जाता है, नीचे बोरिंग से निकाला जाता है। फिर मैं बात करता हूं आपको आरओ का पानी, उसका पीएच लेवल क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है जिसको हम पी रहे हैं लगातार मार्केट से 20 रुपए का खरीद करके। और मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। लोग गर्मियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक बड़े शौक से पिया करते हैं, तो हम इसको भी देखना चाहेंगे कि इसका पीएच लेवल क्या है, ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक का भी एक डेमो आप सबको दिखाना चाहूंगा। तो आइए अब मैं इसको चेक करूंगा। जैसे ही तमाम चीजों को नापने का पैमाना होता है, उसी तरीके से पानी का पीएच लेवल नापने के लिए ये हमारा पीएच टेस्टर होता है। इससे हम पानी का पीएच लेवल नापते हैं कि पानी किस क्वालिटी का है। तो मैं सबसे पहले डालता हूं जो हमारा नल का पानी है, उसमें मैं इस पीएच लेवल पीएच टेस्टर को डालता हूं। अब मैं अपना जो आरओ का पानी है उसमें भी मैं इसको डालता हूं। उसके बाद मैं डालता हूं इसको कोल्ड ड्रिंक में। और अब हम चेक करते हैं इसका पीएच लेवल। इसको मैं मिला देता हूं एक बार पानी को। ये हमारा आरओ का पानी है और ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक। अब तीनों के कलर आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको बताना चाहूंगा इसका पीएच लेवल क्या है। तो मुझे जरा दिया जाए जिससे आपको मैं पीएच स्केल है जिससे ये पता चलता है कि किसका किस द्रव्य का क्या पीएच लेवल है। तो मैं इसको आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इससे आप चेक कर सकते हैं इसको कलर को देख करके। तो सबसे पहले मैं आता हूं हमारे जो ये पानी का है, तो मैं इस पे आता हूं जो हमारे नल का पानी है। मैं इसके पीएच लेवल की तरफ अगर बढ़ता हूं तो इसका पीएच लेवल अगर हम जाए तो लगभग 6 से 7 के आसपास का इसका पीएच लेवल है। अगर हम इसके कलर को यहां से मैच करते हैं तो हम इसका पीएच लेवल देखते हैं, क्योंकि ये हल्का सा ब्लू टाइप में है तो इसका पीएच लेवल 6 के आसपास में हमें दिखाई दे रहा है। फिर ये वो पानी है जो हमारा आरओ का पानी है, पैक वाटर है ये हमारा, और इसका पीएच लेवल लगभग 7 के आसपास दिखाई दे रहा है। 7 का मतलब न्यूट्रल वाटर, ना तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना ही आपके लिए नुकसानदायक है। ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक। अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इसका पीएच लेवल क्या है, 0 से 1 के आसपास में। मतलब ये एसिडिक, कंप्लीटली एसिडिक वाटर है, मतलब जो बैटरी में पानी डाला जाता है उस तरीके की क्वालिटी का ये कोल्ड ड्रिंक है। और इसको तमाम सारे लोग बहुत फैशन में पिया करते हैं, जबकि ये लोगों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है आप इसे कल्पना कर सकते हैं। अब हम इन तीनों पानी को देखते हैं कि हमारे पास है अल्का कोल। आज के समय में अल्कलाइन वाटर का ट्रेंड है, कहा जाता है कि अल्कलाइन वाटर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी है, तमाम सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
हम जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर अल्कलाइन वाटर ही होता है जिससे तमाम सारी बीमारियों से वो अपने आप लड़ता है। तो मैं अल्का प्योर का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि इस पानी का पीएच लेवल कितना बढ़ सकता है। ये हमारा नल का पानी है, अगर हमने उस पर 3 से 4 बूंद अल्का प्योर डाला, ये हमारा आरओ का पानी है, हमने उसमें भी अल्का प्योर डाला, और ये हमारा कोल्ड ड्रिंक है, मैंने उसमें भी अल्का प्योर डाला। अब मैं इन सब का चेक करता हूं कि पीएच लेवल कितना बदला। अब कलर आप देख रहे होंगे कि कलर चेंज हो रहा है, ये काफी हद तक ब्लू हो चुका है, और इसका अगर आप पीएच लेवल अब देखेंगे तो 8 के आसपास का पीएच लेवल है, 8 से ज्यादा का पीएच लेवल अगर हम इस पीएच स्केल से अगर हम इसको देखेंगे तो जो हमारे नल का पानी है वो 8 पीएच लेवल के आसपास पहुंच जाता है, 8 से ज्यादा ही पीएच लेवल इसका हो गया है। अब हम देखते हैं ये जो हमारा आरओ का पानी था, इसका पीएच लेवल 9 से 10 के बीच में पहुंच गया, मतलब जहां पर 7 पीएच लेवल था वो लगभग 3 पीएच लेवल उसका बढ़ गया अल्कलाइन को डालने से, अल्का प्योर को डालने से, और इसका भी पीएच लेवल लगभग 3 पॉइंट और बढ़ गया। अब देखते हैं कि वो पानी जो हमारा एकदम से जहरीला था, जो लाल कलर में आपको दिख रहा था, अब अगर आप उसको देखें तो वो अभी येलो कलर में हो गया, उसका पीएच लेवल लगभग 4 से 5 के आसपास पहुंच गया, मतलब अल्का प्योर डालने से इस कोल्ड ड्रिंक का भी पानी जहां पे 0 से 1 पीएच लेवल के आसपास था उसका भी पीएच लेवल 4 से 5 के बीच में पहुंच गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा ये जो अल्का प्योर है, बेनमून का बनाया हुआ जो अल्का प्योर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट जिसकी कीमत 250 रुपए होती है और एक ग्लास पानी में सिर्फ 3 से 4 बूंद की आवश्यकता होती है, और अगर आपने देखा, अभी आपके सामने मैंने ये लाइव डेमो दिखाया जिससे आपको पता चलता है कि पानी का पीएच लेवल हमारा अल्का प्योर कितना बढ़ा देता है, पानी को एक नॉर्मल पानी, एक न्यूट्रल पानी को अल्कलाइन वाटर में तब्दील कर देता है। और आज अगर आप अल्कलाइन वाटर को जाकर के देखेंगे, इसकी प्राइस अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 500 ml 65 से 70 रुपए में मिलता है, मीन्स 1 लीटर पानी की कीमत 100-125 रुपए से कहीं ज्यादा की है। जितने में हमारा एक बॉटल आता है उतने में सिर्फ आपको 2 लीटर पानी मिलता है, जबकि आप इस बॉटल से महीने भर आराम से अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं जो आपको तमाम सारी बीमारियों से बचाएगा। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा, हर घरों में आरओ लगाएं या ना लगाएं, आपको एक नॉर्मल जो पानी आप पी रहे हैं उस पानी में सिर्फ अल्का प्योर 3 से 4 बूंद डालिए, और रोज 4 से 5 ग्लास अगर आप अल्कलाइन युक्त पानी पीते हैं तो आपका शरीर तमाम सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अल्का प्योर। तो मैं सबको यही बोलूंगा, ये अल्का प्योर हर घर घर में जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ हो और रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता बढ़े। धन्यवाद।